तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी आउटलाइन की, तो अब कलरिंग की वीडियो है। और सॉरी, जो स्टार्टिंग के पार्ट थे वो थोड़ी कट हो चुके हैं, मेरे गलती से डिलीट हो चुके हैं, सो एडिटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। और जैसे कि आप जानते हो, सबसे पहले वाइट कलर यूज़ किया, उसके बाद स्किन कलर उसके जहाँ पे मेरे को ज़रूरत थी वहाँ पे करने के बाद, और जो ब्लेंड है वो हमने ईयरबड से किया है। और ये पेपर चार्ट पेपर है, और चार्ट पेपर पे काफ़ी स्मूथ ब्लेंड होता है। और ये हमने जो कलर यूज़ किया है वो डोम्स का है और कैमलिन का, दो कलर मिक्स करके बनाते हैं। इसलिए नहीं कि दोनों अलग अलग लुक देंगे, बस इसलिए कि उसमें जो आप डॉम्स में और कैमलिन में जो वाइट कलर होता है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसी वजह से कभी डॉम्स खरीद लेते तो कभी कैमलिन, सो उसकी वजह से दोनों चूज़ करना पड़ता है, एक ही में मिक्स हो चुका है कलर, तो हम खुद नहीं मालूम कि कौन सा हम डॉम्स का यूज़ करते हैं या वो, क्योंकि उसका जो स्टिकर है वो भी निकल चुका है बनाते बनाते। इसी वजह से कलर का पता नहीं चलता, हम डायरेक्टली नॉर्मल कलर लाइट और डार्क करके बोलते हैं। तो आप देख रहे हो मैंने स्किन कलर प्रॉपरली ऐड कर लिया है, और पिंक स्किन और ब्राउन कलर, ये तीनों चारों कलर ऐड करके और ब्लेंड कर दिया है, और ईयरबड से ब्लेंड किया है। स्टार्टिंग में मैं ऑयल पेस्टल से ही ब्लेंड करती थी, उसके बाद क्रेयॉन्स कलर से ब्लेंड की, अब हम ईयरबड से ही ब्लेंड करते हैं ताकि आप सबके लिए भी इजी रहे। और ये पेपर नॉर्मल चार्ट पेपर है, जो प्रोजेक्ट पेपर भी बोल सकते हो आप इसे। तो आप देख रहे हो हमने आईज नोज सब कुछ बना लिया, पेंसिल से बनाया, डिटेलिंग हमेशा हम पेंसिल से ही करते हैं, बिकॉज ऑयल पेस्टल मोटे होते हैं। जब आप बड़ा ड्राइंग करो तो आप ऑयल पेस्टल से बना सकते हो, ऐसे छोटे ड्राइंग करनी है, छोटी ड्राइंग मतलब कि फेस कवर करनी है तो हमें उसके लिए बनाना पड़ता है पेंसिल से, तो दोनों मिक्स करके बनाया जाता है। और ज्वेलरी के लिए हमने येलो कलर, और जहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ पे ब्राउन कलर, सो ये सब कलर यूज़ करके हमने ज्वेलरी बनाया है। उसके बाद हम उसमें भी डिटेलिंग के लिए ब्राउन पेंसिल कलर यूज़ करते हैं, या फिर जो भी जैसे उसके अकॉर्डिंग, और काफ़ी ध्यान से यूज़ करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। आपको वीडियो में बस फास्ट दिख रहा होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। कैसी लगी ड्राइंग कमेंट जरूर करना, और ये ड्राइंग फ्री हैंड है तो कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है, सो नो प्रॉब्लम। बनाते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि एक्यूरेट ही एकदम आएगा ज़रूर, वैसे कोई भी पहचान सकता है कि हाँ ये शिवांगी जोशी है, बिकॉज ऑलमोस्ट हमने 100% में से 90% परफेक्ट किया है। शायद आप बताना कि 90% है या नहीं, बाकी 10% नहीं है, क्योंकि हाँ आई नो, जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती होगी ही, बट प्रैक्टिस करते करते वो भी कवर हो जाएगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी है, अच्छी आप भी ज़रूर बनाना, वॉच करिए पूरा वीडियो।